मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की सदारत संभालें, उनकी क़यादत में नून लीग आगे बढ़ेगी। राना सनाउल्ला की मियां जावेद लतीफ और खुर्रम दस्तगीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी मंजूरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ देंगे। नवाज शरीफ की चीन से वापसी पर तजवीज़ पेश की जाएंगी। कोई ऐसा फैसला नहीं जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की मुशावरत से ना किया हो। मनफी प्रोपेगेंडा तरक्की और खुशहाली के लिए काम से नहीं रोक सकता। तरक्की के सफर में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आइए हम सब मिलकर मनफी कुवतों को रद्द करें। बिजली हम सस्ती कर सकते हैं, जो सिगरेट जो हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसकी जो इसमें जिम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक उसकी बकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा मईशत की बेहतरी के लिए सख्त फैसले करना पड़ेंगे। बिजली सस्ती करने और बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ट्रैक एंड ट्रेस मुहैदे को फ्रॉड करार दे दिया। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम अचकज़ई है, महमूद खान अचकज़ई है, जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हुकूमत ने बानी पीटीआई को मुजाकरात की दावत दे दी। सेनेटर इरफान सदीकी बोले बानी पीटीआई कौमी लीडर हैं, हम आज उनके तरफ हाथ बढ़ाते हैं, ये भी तो हाथ मिलाएं। ये महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं? हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। हमारे घरों में रात गए बगैर वारंट छापे मारे गए, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। बहावल नगर वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी का भी मुतालबा। स्पीकर ने आईजी पंजाब से मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स हजफ करा दिए। ऑपोजिशन लीडर का बुशरा बीबी को शौकत खानम के डॉक्टर्स फराहम करने का मुतालबा। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी मोहसिन स्पीड। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 3 माह में इस्लामाबाद के थाने बदलने का फैसला। कहा हमारे साथ वही अफसर चलेगा जो हमारी स्पीड पकड़ेगा। कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदों को 3 माह की मोहलत दे दी। नेक्टा को मुकम्मल तौर पर फाल करने का ऐलान। मार्गला हाइकिंग ट्रेल्स की सिक्योरिटी भी बढ़ाने का फैसला। यहाँ का खिदमत मरकज अभी सिर्फ ऊपर पब्लिक के लिए खुला हुआ था, हम इमीडिएटली इसको नीचे भी पब्लिक के लिए खोल देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और अकोमोडेट हो सकें। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आईजी इस्लामाबाद के होते हुए इंशाल्लाह ताला क्राइम नीचे आएगा। प्लस इंशाल्लाह ताला जो इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम है वो बड़ी मेहनती है, और मेरा ख्याल है कि ये सारे टीम के मिलके इसमें आपको अगले 3 से 4 माह में बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पहला तोहफा। इस्लामाबाद पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर 24/7 खुलेगा। शहरी अब दफ्तरी औकात के बाद भी करेक्टर सर्टिफिकेट और लर्नर्स लाइसेंस और दीगर सहूलियात हासिल करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर आमद, आईजी पुलिस ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून 120 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात। इलेक्शन कमीशन ने ताजा तरीन पार्टी पोजीशन से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। पीटीआई के आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा तसव्वुर होंगे। एसआईसी अरकान की सीटें 82 हो गई। पीपल्स पार्टी 71, एमक्यूएम 21, जेयूआई 11 और काफ लीग 5 अरकान के साथ ऐवान में मौजूद। कौमी असम्बली में अब भी 7 अरकान आजाद हैं। सखर में महकमे औकाफ और शहरियों में जमीन की मलकियत का तनाजा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत।
महकमा औकाफ के वकील की जानिब से इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस बरहम, कहा सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बनाया हुआ है, 10 साल से केस जेरे इल्तवा है, अब मजीद इल्तवा मांगा जा रहा है। चीफ जस्टिस का इल्तवा मांगने पर वकील को 10,000 रुपये जुर्माना, कहा वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। अदालत ने महकमा औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस देने पर केस निपटा दिया। सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 837 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 72,862 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से हॉलैंड की सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। हैनी डेवरीज ने पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला से ADM होल्डिंग के वक्त की मुलाकात, अवामी खिदमत के विजन को सराहा। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा सख्त, सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला, वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया किए जाएंगे। मरियम नवाज का पुलिस यूनिफॉर्म पहनना अलामती अमल है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का नाकदीन को जवाब, कहा मीम्स तो उस वक्त भी बनी थी जब अली अमीन गंडापुर भागे तो उनकी गाड़ी से शहद की बोतलें मिली थी। स्पीकर ने मजीद कहा 2014 से मुल्क में अदम इस्तेहकाम एक ही शख्स की वजह से है। पानी जाया करने वाले हो जाएं होशियार, खिलाफ वर्जी पर अब होगा 1,00,000 रुपए जुर्माना, लाहौर हाईकोर्ट की पानी के बचाव के लिए हाउसिंग सोसाइटीज में कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत, जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग तदारुक केस में कहा घर आपका वो नहीं जहां आप रहते हैं, सारा मुल्क हमारा घर है, मजदूरों के आलमी दिन पर सफाई मुहिम शुरू करें। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी के हुक्म पर लेस्को का बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन, मुहिम में 3,36,00,00,000 की बिजली चोरी पकड़ी गई, बिजली चोरों से 2,17,00,00,000 डिटेक्शन बिल की सूरत में वसूल किए गए, कंपनी के मुलविस 60 मुलाजमीन मौतल, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल, चमन और चाही समेत कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, चाही में बारिश से कई कच्चे मकान गिर गए, कोहलू खानान में गरज चमक के साथ तेज बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब, बिजली की सप्लाई मौतल, खैबर पख्तूनख्वा गलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। गजा में इसराइल जारहियत के खिलाफ अमरीकी यूनिवर्सिटीज में एहतजाज में शिद्दत आ गई, अब तक तदरीसी अमले समेत 530 तलबा गिरफ्तार, अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाज के 22 तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, फ्रांस में पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में भी तलबा का इसराइल मुखालिफ एहतजाज, इसराइली जारहियत बंद करने का मुतालबा। और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का सदारती इस्तिस्ना से मुतालिक फौरी फैसले से गुरेज, सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के मामले पर 3 घंटे तक समाअत, साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का इस्तिस्ना का दावा मुस्तरद किए जाने का इम्कान, ट्रंप का कहना है सदर को इस्तिस्ना होना चाहिए, जालसाजी से मुतालिक तमाम इल्जाम भी मुस्तरद कर दिए, ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई नवंबर के बाद होने का इम्कान।